ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, टू इलेक्ट्रिक चार्जेस क्यू एंड माइनस टू क्यू आर प्लेस एट 0,0 जो कि ओरिजिन है, एंड 6,0 जो कि एक्स एक्सिस पे लाई करता हुआ एक पॉइंट है। फाइंड द लोकस। लोकस मतलब क्या है? लोकस मतलब जो ये कंडीशन दिया गया है, जीरो पोटेंशियल मतलब ऐसे पोटेंशियल के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो मिलके एक कर्व बनाएंगे इस 2D प्लेन में, तो उस कर्व का इक्वेशन लिखना है, जीरो पोटेंशियल इन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो लोकस आपको एक टर्म मिला होगा मैथ्स में, तो ये लोकस करने के लिए अगर आपको याद होगा तो हम एक जनरल पॉइंट पहले एज्यूम कर लेते हैं कहीं भी। तो यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं पॉइंट होगा एक्स कॉमा वाई। तो इस एक्स कॉमा वाई पे हमें यहाँ पे क्या निकालना है? जीरो पोटेंशियल। तो इस एक्स कॉमा वाई पे हमें पहले पोटेंशियल का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो वी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, तो यहाँ पे ड्यू टू दिस चार्ज क्यू, ये क्या होगा? ये होगा के क्यू बाई डिस्टेंस। यहाँ पे ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, सो ये क्लियरली रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। और अभी हमें इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो इस चार्ज के लिए भी होगा माइनस टू क्यू, तो उसके लिए हम लिखेंगे प्लस ब्रैकेट में माइनस टू के क्यू बाई, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो होगा 6,0 से डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे कंडीशन क्या दिया गया है? जीरो पोटेंशियल, तो ये पोटेंशियल इक्वल टू जीरो, तो इसको हम उस साइड ले जा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 के क्यू बाई रूट 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस केस में हम के क्यू दोनों साइड से काट सकते हैं, और एक काम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं रूट हटाने के लिए। अगर ये हम करेंगे तो हमें क्लियरली दिखेगा यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम दोनों को न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। और ये मिस्टेक ना करें कि आपने एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, वाई के साथ मल्टीप्लाई करना भूल गए, इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। ये छोटी सी चीज़ है बट मिस्टेक हो जाती है इसमें। तो अभी हम देख सकते हैं इसको ओपन करेंगे तो 36 6 का स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, हाँ मुझसे भी एक गलती हो गई, मैंने स्क्वायर किया बट ये इसको स्क्वायर करना भूल गया, तो इसका भी स्क्वायर होगा। ये गलती आप मत कीजिएगा, 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर। अभी अगर हम सब कुछ इस साइड में लेके जाएंगे हमारे पास आएगा 36, सारे वेरिएबल्स को लेके जाते हैं इक्वल टू, और यहाँ पे 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 12 एक्स, जो कि यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा इक्वल टू 36, और 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर प्लस 12 एक्स। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं 3 से कट जाएगा, तो इसको कुछ ऐसा लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 से कटेगा 4 एक्स इक्वल टू 12। तो यहाँ पे आपके पास देख सकते हैं एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, 4 एक्स वाला टर्म है, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, तो ये आप कुछ एक होल स्क्वायर का फॉर्म में ला सकते हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 लिख देते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पे कितना कॉन्स्टेंट आना चाहिए ताकि ये एक होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दिख रहा है हमें कि ये एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बनना चाहिए, तो यहाँ पे 4 अगर इस साइड ऐड करेंगे तो इस साइड 4 ऐड करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे बना देगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 जो कि है 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपके पास इक्वेशन आ रही है वो कुछ ऐसी आ रही है, और इसको आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से, जहां पे आपका, चलिए यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, जहां जहां पे आपका क्लियरली इस इक्वेशन के लिए ए कॉमा बी आपका बन जाता है सेंटर,
और एक सर्कल की इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू सेम है, और यहाँ पे जो आर है वो बन जाता है रेडियस। तो इस केस में हम देख सकते हैं जो सेंटर का वैल्यू होगा वो होगा -2,0, और जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा 4। तो यहाँ पे ये कुछ एक सर्कल बनेगा जिसका रेडियस, अच्छा सर्कल कुछ ऐसा नहीं बनेगा, सर्कल का जो सेंटर है वो हमें दिख रहा है -2,0 होना चाहिए। तो -2,0 कहीं यहाँ पे होगा, और ये एक सर्कल बनेगा जिसका रेडियस होगा 4। तो 4 आप यहाँ पे मान सकते हैं 2,0 पॉइंट। तो आप अगर इसका कुछ सर्कल बनाएंगे तो ये ऐसा एक सर्कल बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये एक सर्कल बनेगा जिसका जो रेडियस है वो हो जाएगा 4, और जो सेंटर है वो हो जाएगा -2,0।